पांचवें स्थापना दिवस के उपलक्ष में भिवाड़ी की इस पावन धरा पर हमारे बीच में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार में दोनों मंत्री भाई बबली जी, अनूप जी, राज्यसभा के हमारे सांसद भाई कार्तिकेय जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी, जोगीराम जी, अमरजीत ढांडा जी, रामकरण काला जी, मंच पर बैठे तमाम हमारे बोर्ड के चेयरमैन साथीगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के संयोजकगण और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, मैं पहले तो आपका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि चार साल आप सबके प्यार आशीर्वाद और सहयोग से चौधरी देवीलाल के विचारों को हमने जननायक जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा की जनता के लिए समर्पित करने का काम किया। साथियों, वो 17 नवंबर का दिन भूल नहीं सकते जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक निर्णय किया कि झंडा डंडा त्याग कर एक नई शुरुआत करी जाएगी। बहुत कम राजनीतिक दल देश में विकसित हुए जिनने डंडा डंडा छोड़कर विचार लेकर आगे बढ़ने का काम किया। और साथियों, आज आप लोगों की बदौलत दौर जरूर कठिन रहा, हमने बाय इलेक्शन लड़ा, लोकसभा के इलेक्शन लड़े और विधानसभा के चुनाव आए, मगर ये आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों का संघर्ष था जिसने इस मेहनत लगन के साथ पार्टी के 10 विधायक विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, मैं इस पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसान कमेरे की ताकत दिखा दो यारो, काफिला और बड़ा बना दो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, तसल्ली से एक पत्थर उछाल के देखो यारो। साथियों, आज 1.5 साल का समय हमारे पास और बाकी है और चुनावी प्रक्रिया देश भर में अब शुरू हो जाएगी लोकसभा के लिए। आज हमें फिर पूरी मेहनत लगन के साथ काम करना पड़ेगा। साथियों, ये 3 साल का सफर कोई आसान नहीं था, कोरोना जैसी महामारी के 2 दौर देखे, 1 साल तो आपसी में मिलना जुलना हमारा बंद हो गया, किसान आंदोलन का दौर देखा, डॉक्टर साहब के आदेश थे कि हमारा आपसी भाईचारा ना खराब हो, 1 साल उसकी वजह से हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ा, मगर साथियों आज माहौल आपके पक्ष में है, आज परिस्थितियां आपके पक्ष में है और मैं एक चीज कहता हूं, इस 3 साल में जितने हमने निर्णय किए
वो भी हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में करने का काम किया। अभी श्रीमती नैना चौटाला जी मंच से कह रही थी कि 50% महिलाएं पंचायतों में चुनकर आई। ये हमारे पत्रकार साथी दिल्ली चंडीगढ़ से आए हुए हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, 50 तो महिलाएं जीत के आई, 75% युवा भी पंचायतों में जीत के आए। साथियों, आज के दिन परिस्थिति प्रदेश के अंदर, हमने जो वादे किए थे अधिकतम पूरे करे। ये पत्रकार साथी बारी बारी कहते हैं कि 5100 कब होगी। मैं सच बोलता हूं, टीस मेरे भी दिल में है और उसको बुझने नहीं दूंगा। ये वादा है, 2 साल से कम समय बचा है, आज वादा करके जा रहा हूं, इसको बढ़ाकर मनवाकर छोड़ूंगा। साथियों, वो दिन भी मुझे याद है, लोग कहते थे 75% कैसे आएगा, कहते थे नहीं कहते थे, रोजगार मेरा अधिकार कानून कैसे बढ़ेगा, विधानसभा में लाके दिखाया नहीं दिखाया। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे बुढ़ापा पेंशन आएगी, लोग कहते थे इसी धरती से, चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि अगर होती मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं ही लागू कर देता। चौधरी देवीलाल ने क्या कहा था, मैं भेड़ बकरी चराने नहीं जा रहा, कानून बनाने जा रहा, और कागज के नीचे लिख दूंगा देवीलाल और कानून बना दूंगा। साथियों, 50% महिलाओं का कानून हमने लाकर दिया, आज देश भर में उठाकर देख लो, इतनी बड़ी हिस्सेदारी कानूनी तौर पर जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत, मेंबर पंचायत आज देश में कहीं भी नहीं है। दूसरी ओर पर साथियों, 75% वाला कानून आज अड़चनों में फंसा हुआ है, मगर हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए और उसको लागू पूरी तौर पर करवाकर हरियाणा के युवाओं को अधिकार देंगे। एक वादा आपका और था कि ठेका प्रथा प्रदेश में बंद करेंगे, डीसी रेट बंद कराएंगे, और डीसी रेट को बंद कराकर कौशल रोजगार निगम बनाया, और उस कौशल रोजगार निगम के साथ आपकी पार्टी का एक वादा था कि मिनिमम वेज, जो हमारा सबसे कम पैसा मिलना चाहिए किसी कर्मचारी को, वो 16,000 करेंगे। और साथियों, आज उठाकर देखो, कौशल रोजगार में 3 है कैटेगरी है, ए बी सी, तीनों के अंदर आज 16,000 से अधिक, और आज एक कैटेगरी में तो 17,500 रुपए मिनिमम वेज देने का काम कर रहे हैं। मगर एक चीज, ये मेरी माताएं बहने बैठी है, अभी नैना चौटाला जी भी ये आग्रह कर रही थी कि 50% महिलाओं को दे दिया पंचायत में अधिकार, 33% अधिकार आपने राशन डिपो में दे दिया। ये आज वादा करता हूं कि कौशल रोजगार में भी महिलाओं की हिस्सेदारी हो। अब इस लड़ाई को लड़ूंगा कि 33% महिलाओं का भी हिस्सा कौशल रोजगार की नौकरियों में दिलवाने का हम प्रदेश में काम करें। साथियों, एक चीज, प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े। एक दौर था हुड्डा साहब का, जब जमीनें बिका करती थी, इंडस्ट्री प्रदेश छोड़ के जा रही थी, माहौल ठीक करने में समय तो लगा, मगर आज खुशी के साथ कहता हूं कि हमने 30,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में बनाया, इससे लाखों रोजगार आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग मारुति का प्लांट, और कहीं नहीं, ये पवन बैठा एक दिन मेरे को बोलने लग गया था, कहता हमारे खरखोदा की तरफ हुड्डा साहब वोट लेने आया करते थे, विकास की बात आती थी तो नहीं देखते थे, कहते आने वाले 10 साल में ये मारुति आपने ला दी, गुड़गांव से ज्यादा हमारे खरखोदा को डेवलप करने का काम करेंगे। साथियों, आज 10,000 गाड़ियां एक प्लांट से साल में बनेगी। वही मेवात जैसी जगह जहां इंडस्ट्री जाने से कतराती थी, आज मेवात के अंदर हमने प्रयास कर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लाने का काम किया। गुड़गांव के अंदर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वेयर हाउस लॉजिस्टिक का आज हम ई कॉमर्स के लिए बनवा रहे हैं फ्लिपकार्ट से। आज अगर उठाकर देखो, प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में, चाहे पद्मा योजना हो, चाहे हमारी स्टार्टअप योजना हो, चाहे ई व्हीकल योजना हो, अलग अलग इंडस्ट्री का रुझान हरियाणा की ओर बढ़ा। और तो और, बसों की कंपनी जेबीएम ने इंडिया में इलेक्ट्रिक बस बने, उसका पहला प्लांट आपके पलवल में लगाने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा, आज हमें
फोकस करना है, बढ़ाना है, कमेरे की ताकत को बढ़ाना है। और प्रदेश सरकार ने अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज आयुष्मान योजना हर उस गरीब बीपीएल होल्डर को मिलती है, जिससे वो देश के किसी भी कोने में जाकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है। आज बीपीएल की सीमा केवल मात्र हरियाणा इकलौता प्रदेश है जहां 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 करने की काम किया। और ये वादा आज करता हूं कि अब बीपीएल राशन कार्ड बनाने के अंदर दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, आपको कोई पीला हरा खाकी रंग से बांटने का काम नहीं करेगा। अगर आपके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है तो आपके पीपीपी के ऊपर आधार नंबर डिपो में जाके दे देना, नए साल से आपको भी सारी बीपीएल की सुविधाएं जिस भी परिवार की आय 1,80,000 से नीचे उसको देने का काम करेंगे। साथियों, एक चीज जरूर बोलूंगा, खेलों की जब बात करते हैं तो भिवानी का अहम योगदान रहा है और हमेशा भिवानी ने बढ़ चढ़ कर खेलों में हिस्सेदारी दी है, चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो। आज डॉक्टर साहब के पुराने साथी सज्जन बड़ाली जी हमारे साथ वापस आए हैं, मेरे को तो बड़ी खुशी की बात है। इनकी भतीजियों ने, गीता बबीता ने, देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया। और आज तो मैम के मोखरा की हमारी छोरियां भी जाकर दुनिया में रेसलिंग के मेडल लाने का काम साक्षी जी कर रही है। टोक्यो के अंदर हमारे करनाल के साथी नीरज ने पहली बार एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में देश को लाकर देने का काम किया। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये सारे साथी टोक्यो से वापिस आए तो रिहैबिलिटेशन सेंटर और अनेक चीज की घोषणा करी, मगर कई बार खिलाड़ियों को देखता हूं, कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, जैसे एक साथी पीछे प्लास्टर बांधे बैठा है रिशर्ट में, जब साथी चोटिल हो जाता है तो उसकी रिकवरी का खर्चा कैसे मिले? खिलाड़ी के पास तो अपने दूध के, अपनी सेहत बनाने के केड़े खरीदने के भी पैसे नहीं है, मगर उसकी रिकवरी का क्या होगा? ये वादा है कि अब हरियाणा प्रदेश में हम योजना बनाएंगे, आने वाले समय में खिलाड़ियों को भी मेडिकल इंश्योरेंस मिले, रिहैबिलिटेशन के लिए पैसा मिले, इसकी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में करने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज कहूंगा, हरियाणा में युवाओं के लिए अवसर कम नहीं छोड़े। आज आपके भिवानी में भी मैं आ रहा था, 4 छोटे छोटे जहाज हवा में घूम रहे थे। मैंने पूछा पायलट से उतरते, मैं कहे छोटे जहाज कैसे थे, तो बताया भिवानी के हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल में जहाज 100 बच्चे हैं, वहां के पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आधुनिकता है। एक नहीं, पिंजौर ले लो, करनाल ले लो, महेंद्रगढ़ ले लो, भिवानी ले लो, आज 4 हमारी एयर स्ट्रिप खाली पड़ी थी, 400 बच्चे इन 4 एयर स्ट्रिप पे आज फ्लाइंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मगर इसमें व्यवस्था बनाएंगे, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए खास तौर पर रियायत की अवसर बनाएंगे कि हमारे बच्चे पायलट बनकर दुनिया भर का भ्रमण करने का काम करें। और साथ में हिसार के हवाई अड्डे को एक ऐतिहासिक स्वरूप देकर कार्गो लॉजिस्टिक हब के तौर पर डेवलप करेंगे। नांगल चौधरी तो सबसे पिछड़ा हिस्सा था, बारी बारी कहा जाता था दक्षिण हरियाणा में प्रगति कब होगी, दक्षिण हरियाणा में प्रगति कब होगी। साथियों, 152 डीपे किसी को आ जाने का मौका मिले तो आप पता करना, नांगल चौधरी के पास 1500 एकड़ में सबसे बड़ा मल्टी नोडल लॉजिस्टिक हब केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर बना रही है, हजारों रोजगार के अवसर वहां पर होंगे और साथ ही साथ नए उद्योग भी उस एरिया में प्रकटित हम करने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमने कई वादे करे जो सरकार बनते ही पूरे करे, कई धीरे धीरे पूरे हुए, चाहे वो सी टेट को भी एजुकेशन के अंदर पेपरों में नियमित करने की बात हो, एच टेट के एग्जाम को 50 किलोमीटर के रेडियस में कराने की बात हो, हमारी बहन बेटियों को कॉलेज जाने के लिए बस की सुविधा देने की बात हो। साथियों, कई ऐसी चीजें जो समय के साथ हमें और आगे लेकर चलनी है, मगर उसमें आपका सहयोग और समर्थन चाहिए होगा। मैं जरूर बोलना चाहूंगा एक चीज जो मेरे को बड़ी खरती थी कि हमारा गांव का बच्चा कोचिंग लेने पढ़ने शहर में आता था और बारी बारी शहर के अंदर आकर 1 घंटा आन का 1 घंटा जान का उसका खराब होता था। मगर मैंने प्रयास शुरू किया, पहला प्रयास नरवाड़ा से किया, 10 लाइब्रेरी बनाई, फिर उचाणा बालडा आया,
फिर धीरे 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 सारे एमएलए मेरे पीछे पड़े, 5-5 लाख 10-10 लाख दो, हमारे लाइब्रेरी बनाओ। अब ये वादा हम आपको करते हैं कि अब हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव को डिजिटल तो हमने कर दिया, आज वहां ग्राम सचिवालय डिजिटल हो चुके, मगर अब वहां पर मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी का भी हम निर्माण करने का काम करेंगे, जिससे बच्चों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए शहर में आने की जरूरत ना पड़े, वहां से बच्चों को चाहे यूपीएससी की, एचपीएससी की, ये हो, ये सारी किताबें मुहैया कराने का काम करेंगे, जिससे शिक्षित बच्चे हमारे और आगे बढ़ने का काम करें। साथियों, जहां किसान की बात आती है, हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पर 13 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। कोई और प्रदेश नहीं है देश में जहां 13 फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाए, मगर उस व्यवस्था को और बेहतर कैसे कराया जाए, ये मॉडल हरियाणा से देश सीखता है। पिछले दिनों मैं यूपी के एक नेता का भाषण सुन रहा था, वो बारी बारी भाषण में हरियाणा की बड़ाई कर रहा, कहता हरियाणा की मंडियां ऐसी है, हरियाणा की मंडियां ऐसी है, हरियाणा की मंडियां तो आधुनिक है। आज उठाकर देखो, आज लगभग 60 लाख मैट्रिक टन जीरी आज हरियाणा प्रदेश के किसानों की हमने खरीदी। किसान को 1-2 घंटे से ज्यादा मंडी में नहीं रुकना पड़ा। वो दिन तो हमारे बुजुर्गों को याद होगा कि किसान आता था जीरी लेके, 4 घंटे पहले कहा जाता था मॉइस्चर ज्यादा है कल आओ, उसको 2-2 रात जीरी के ऊपर अपनी चद्दर घेर के सोना पड़ता था। मगर साथियों, आज की व्यवस्था देखो, मंडी में आने के 2-3 घंटे बाद किसान फारिक होता है और 2 दिन के अंदर उसका पूरा मूल उसकी फसल का उसके खाते में ट्रांसफर करने का काम सरकार करती है। साथियों, कोई छोटी चीज नहीं है, 1.5 महीने खरीद चली और 1.5 महीने के अंदर आपकी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 12,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने का काम किया। और इसको और बेहतर बताएंगे, ये 72 घंटे से 48 लाए हैं और आगे आगे ये प्रयास करेंगे कि जैसे ही किसान का जे फॉर्म कटे, पैसा सरकार की तरफ से उसके खाते में हो, तब मानूंगा कि सर छोटू राम का, चौधरी देवीलाल का किसान को मजबूत करने का सपना और बड़ा। आज फसल खराब हो जाती थी, किसान के पास ताकत नहीं थी कि वो अपनी फसल के खराबे की रिपोर्ट लिखाए, मगर आपकी सरकार ने आज क्षतिपूर्ति पोर्टल का निर्माण किया। और इस बार है भिवाड़ी, भिवाड़ी का मैं देख रहा था, 3,000 किसानों ने भिवाड़ी जिले के अंदर क्षतिपूर्ति पे अपनी फसल खराब की रिपोर्ट लिखाई। आप तो पटवारी, आपके बुलावे पे फसल खराबा देखने नहीं आता, बल्कि आप जब उसको मैसेज करते हो तो सरकार आदेश देती है कि जाकर इस किसान के फसल को देख कर आने का काम करे। देश में अगर सबसे ज्यादा खराबे का कहीं पैसा दिया जाता है तो आपके प्रदेश में 15,000 रुपया दिया जाता है। और अगर आगजनी हो जाए, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसान को पैसा मिले, पर आपकी सरकार ने आज व्यवस्था बनाई है कि अगर फसल खराब हो जाए तो किसान के खाते में 15,000 रुपये आपकी सरकार भेजने का काम करती है। साथियों, गरीब मजदूर को मनरेगा के माध्यम से हमने 600 करोड़ से शुरू किया, 800 करोड़ लेके आए और इस साल 1200 करोड़ रुपया मनरेगा के मजदूरों के माध्यम से प्रदेश के हित के कामों में लगाएंगे। और मैं आपको और अच्छी चीज बताता हूँ, निरंतर 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं मनरेगा को और बेहतर कैसा बनाया जाए। अभी कल परसों फैसला आया कि अगर कम्युनिटी बायोगैस लगाया जाएगा तो उसमें भी मनरेगा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी किसान की बागवानी की अगर पौधे लगाने हैं तो उसमें भी हम मनरेगा यूज कर सकते हैं। और केंद्र से ये भी मांग करूंगा जल्द, और मिलकर भी आऊंगा, कि अब किसान के खेत में जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन है, अगर उसकी हिस्सेदारी भी कोई करना चाहे तो मनरेगा की हिस्सेदारी भी उसमें लाने का काम करो। साथियों, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कई ऐसी चीजें हैं, अभी चौधरी ईश्वर सिंह जी मेरे पास आए और कहे कि मैं एक बात आपसे मांगनी भूल गया, और जैसे उनने बात कही मैंने कहा मुझे याद है आप क्या मांगना चाह रहे थे, और ये हमारा वादा भी है। और ये वादा मैं ये आज मंच से कह देता हूँ, फरवरी 2023 में पूरा कर देंगे कि कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर का निर्माण कर, और आपके नेतृत्व में कराऊंगा चौहान साहब कि आप जाकर वहां जाकर इस मंदिर को आगे लेकर चलने का काम करें, सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, एक चीज जरूर,
हमें सब समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि प्रदेश के अंदर जब प्रगति होती है तो बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं आज आपको बताता हूँ, 3 साल का सफर कोई आसान नहीं रहा। बहुत से साथियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, पहले कहा कि ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर शराब घोटाला हुआ होता तो क्या एक्साइज का रेवेन्यू 6100 करोड़ से 10500 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करता? हमने तो चोर को पकड़ा, चोरी रोकी और कहीं ना कहीं उसकी टीस चोरों के होने लगी। आज कहते हैं रजिस्ट्री घोटाला हो गया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि व्यक्ति घर बैठा हुआ मोबाइल से टाइम लेके तहसील में जाता है और तहसीलदार वहां बैठा मिलता है। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने एक्ट में भी अमेंडमेंट कर दी और केंद्र को भेज दिया राष्ट्रपति की मोहर लगाने के लिए कि रजिस्ट्री का भी सर्कल जो है वो सब डिवीजन जिले इस पे ना किया जाए, इसको प्रदेश भर को एक सिस्टम बना लिया जाए। और ये वादा करता हूं 2023 के अंदर पूरी स्टेट को एक तहसील एक सब डिवीजन बनाने का काम करेंगे, जिससे फिर आपको तहसीलदार के पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी व्यक्ति के पीछे डीड बनवाने के वाले के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी जाओगे समय लेकर और अपना रेवेन्यू का जो आपने तबादला करना है, खरीद फरोख करनी है, उसको पूरी तौर पर कर पाओगे। एक चीज साथियों आज और समझने देखने की कि आज प्रदेश के अंदर माहौल दिन प्रतिदिन आपके पक्ष का बनता जा रहा है, पर इसको और आगे ले जाने के लिए हमें बूथ लेवल पर जाना पड़ेगा, हमें घर घर जाना पड़ेगा, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा और उसके अंदर आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो एक चीज मेरी माताओं बहनों से कहूंगा कि एक वादा आपने महिला सेल की मीटिंग में करा था कि हम हर बूथ पर एक सखी बनाएंगे जो पार्टी का प्रचार करने का काम करेगी। आज तो हमारे माताएं बहनें 50% आ चुकी, हमारी पंचायतों में बैठ चुकी, जिला परिषद ब्लॉकों में बैठ चुकी, आज जरूरत है आपकी। अगर गांव दर गांव जाओगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ोगे, तभी जाकर आपकी ताकत आपको दिखने का काम करेगी। और युवाओं से भी आह्वान करता हूं साथियों, जो बूथ योद्धा का आपका निर्णय था उसको आगे लेकर चलो। आज बूथ को मजबूत करने की जरूरत है। ये 19,000 बूथ अगर हमने मजबूत कर लिए और हर बूथ पर एक साथी को जोड़ने का काम कर लिया और एक माता बहन को सखी बनाने का काम कर लिया, तो ये विश्वास दिला देता हूं कि चौधरी देवीलाल का जो सपना था कि हमारा लोकराज से चले, उस सपने को तो हम मजबूती देने का काम करेंगे, वही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सपने को भी पूरा करेंगे कि प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी का विस्तारण हो, बढ़ावा हो और दूसरे प्रदेशों में भी जाकर संगठन को मजबूती देंगे। साथियों मैं तो इतना आपको कहना चाहूंगा कि अब समय आ चुका कि आप अपनी ताकत को दर्शाने का काम करें। आज हजारों हजारों की संख्या में आप सब प्रदेश के कोने कोने से आए हो, मैं तो इतना बोलना चाहूंगा आप सबको कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप सब मिलकर प्रदेश की इस ताकत को और आगे बढ़ाने का काम करो। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जेजेपी का ये काफिला बढ़ता रहेगा चौधरी देवीलाल की विरासत के साथ, मेरे कार्यकर्ता की ताकत के साथ, हरियाणा के हकों और हिफाजत के साथ। और अब आपकी जिम्मेवारी है साथियों कि अब घर घर जाकर पार्टी के संगठन को, चौधरी देवीलाल जी के विचारों को और मजबूती देने का काम करें। मैं तो इसके साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार नारा लगाए, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। अब आपके बीच में अंतिम वक्ता के रूप में हमारे पास बैठ जाओ बहनों, माता बहनों बैठ जाओ, डॉक्टर अजय सिंह जी बात करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के संस्थापक, आपके बीच में विचार रखें। मैं निवेदन करूंगा हमारे गुजरात से अध्यक्ष बच्चन सिंह गुर्जर जी, उनको पगड़ी पहना करके सम्मानित कर